हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि आज मेरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो सर्दी खांसी होने की वजह से मेरी आवाज़ थोड़ा बदलाव हो गई है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इग्नोर कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो सबसे पहले हम छोला बनाएंगे। तो छोला के लिए मैंने मटर को रात को पहले ही फुलिंग दे दिया था, अच्छी तरह से सोख हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर हमें डालना है कुकर में छोले को। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, थोड़ा सा डालेंगे हल्दी, साथ में थोड़ा सा डालेंगे तेल। और मिक्स करने के बाद हम ढक्कन लगा के और इसे हम सीटी लगाएंगे। तो करीब हमें यहाँ पर 3 से 4 सीटी के लिए पकाना है। ज़्यादा मत पकाइएगा, नहीं तो मटर जो है गल जाएंगे, यानी कि छोले। देखिए मैंने 4 सीटी लगाया था, बिल्कुल यहाँ परफेक्ट पकी हुई है। तो अब चलिए छोले की तैयारी करते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई में लिया है 2 टेबल स्पून तेल, उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, साथ में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चौपिया हुआ प्याज, आप चाहे तो 2 पीस भी डाल सकते हैं। तो प्याज को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली का पेस्ट 2 बड़े चम्मच, इसे भी हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें डाल रही हूँ मैं यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मैंने पहले हल्दी यूज़ किया था इसलिए मैं कम डाल रही हूँ, थोड़ा सा डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। और सभी को यहाँ पर हम मसालों को भून लेंगे। और हल्का सा भुनने के बाद मैं यहाँ पर चौपिया हुआ टमाटर 1 पीस ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो 2 पीस भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा कम मसाला बना रही हूँ, स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे हम गरम मसाला पाउडर। और सभी को हम बढ़िया से यहाँ पे मिक्स करेंगे। तो मसाला को भुन जाने के बाद यहाँ पर हम छोले को ऐड करेंगे बॉईल किया हुआ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर छोले में आप मटर हो या काबली चना हो, जो आपको पसंद हो वो आप ले लीजिएगा। और मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी, करीब 3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि सब तो पकी हुई है। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट हो चुकी है। स्वाद के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कसूरी मेथी, आप चाहे तो कोरिएंडर लीफ यानी कि धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। तो लीजिए यहाँ पर छोला बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर पतला रखा, आप चाहे तो गाढ़ा भी कर सकते हैं, लेकिन ठंडा होने के बाद गाढ़ा खुद हो जाएगी। तो ढक्कन लगा के इसे हम रख देंगे साइड में। उसके बाद हम गोलगप्पा के लिए बनाएंगे चोखा, जो बनती है स्पेशल चोखे। उसके बाद मैंने यहाँ 5 आलू को बॉईल करके घिस लिया है, चुप किया हुआ 1 पीस प्याज डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे धनिया पत्ता, साथ में यहाँ पर डालूंगी थोड़ा सा नमक यानी कि स्वाद अनुसार। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे छोले बने हुए 2 बड़े चम्मच से। अब इसमें जाएगा आमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। और अच्छी स्वाद के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा डाल रही हूँ काला नमक। अब इसमें जाएगा जो बेसन की सेव आती है मार्केट में बनी हुई रेडीमेड, वो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हल्का सा क्रेश करते हुए। और सभी चीज़ों का हम मिक्स करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ मार्केट वाले गोलगप्पे, और तेल को मैंने पहले गर्म कर रखा था। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको गोलगप्पा फ्राई करने से पहले तेल को ज़्यादा ही हॉट यानी कि गर्म रखना होगा, तभी गोलगप्पे गोल गोल फूलेंगे। तो बस इसी तरह से सभी गोलगप्पा को हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो आप जितना यहाँ पर डाल सकते हैं, 2 जार जितना आप संभाल पाइएगा उतना आप डाल लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर 2 पीस ही डाल रही हूँ, देखिए मैंने सभी को फ्राई कर ली हुई है। तो सभी को हम यहाँ पर बीच में इस तरह से होल करेंगे, ताकि जो चोखे मैंने बनाई है वो यहाँ पर हमें भरना है। तो बस सभी को हम इसी तरह से भर के रेडी करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप यहाँ पर चोखा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको मनपसंद हो उतना आप यहाँ भर लीजिएगा। तो देखिए सभी को हम बस इसी तरह से रेडी करेंगे। तो इसे हम रेडी करने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ छोले। तो धीरे धीरे करते हुए मैं यहाँ पर इसमें भर रही हूँ गोलगप्पे के अंदर। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी बारीक कटी हुई प्याज। और अब इसमें जाएगा दही, तो दही को मैंने पहले ही फेंट के रखा हुआ था। उसके बाद हमें यहाँ पर डाल देना है टमाटो केचप, थोड़े से मैं यहाँ पर डाल रही हूँ से बेसन का ग्रीन चटनी, चाट मसाले, आमचूर मसाले, और साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक। तो फ्रेंड्स, मेरा तबीयत नहीं ठीक है, तब पर मैं आपके लिए मैं अच्छी सी वीडियो लाने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर से कीजिएगा। तो कैसी लगी रेसिपी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट रेसिपी कौन सा आप देखना चाहते हैं हमें प्यारे प्यारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो खाने का तो बात ही अलग, इतना टेस्टी बनी है, तो बस देखने के बाद तो मेरे मुँह पानी आ रही रहा नहीं जा रहा है। तो मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।